हमारा सीक्रेट प्लान यही था। सूट पहनने का आइडिया इसका था। तो भाई लोग मान नहीं रहे हैं, मना किया था मैं बाहर मत निकलना। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ सैनिटाइजर लेके, मास्क लेकर, और ताकि यहाँ इस एरिया को थोड़ा सैनिटाइज कर सकें। यहाँ पे देखिए लोगों ने अभी तक माला तो चढ़ा रखी है। तो हमारा सीक्रेट प्लान यही था, लोगों को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद उनको मास्क देंगे और उसके बाद उनको वेज बिरयानी खिलाएंगे। कितनी मालाएँ चढ़ी हैं, बल्कि यहाँ पे इतना खतरनाक वाला लॉकडाउन है उसके बाद भी। तो ये एरिया हमने सैनिटाइज कर दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी बाबा साहब के फॉलोअर की वजह से कोरोना फैले। सनी गेट को सैनिटाइज कर रहा है ताकि अगर किसी ने गलती से छुआ भी होगा तो वो एरिया जो है कोरोना फ्री हो जाए। वैसे ग्वालियर में हमारे यहाँ केस है नहीं, जितने भी थे वो सारे नेगेटिव हो गए हैं। इसके पीछे तुम क्या बोलोगे भाई, हमारे जो एसपी हैं नवनीत वसीम, बेहतरीन काम किया उन्होंने यार, मानना पड़ेगा। मतलब पूरा इंडिया परेशान है, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड परेशान है, और ग्वालियर में हम लोग आराम से खैर नहीं घूम रहे लेकिन टेंशन फ्री घूम रहे हैं। वो क्या तो मतलब कप्तान है, एक कप्तान के हाथ में जो वागडोर होती है ना, वैसे ही यहाँ की जो कप्तानी करते हैं ना, पूरा पुलिस प्रशासन हिलता है उनके मारे। तो हमारा प्लान यही था, प्लान में दो गड़बड़ियाँ हुई। पहली गड़बड़ी सनी, पहली गड़बड़ी यार हमें धोखा दे दिया चूल्हे ने। हमको 8 बजे यहाँ आ जाना चाहिए था और अभी लगभग 11:30 और हम लोग सुबह 3 बजे मैं उठा था, उसके 4 बजे मैंने सनी को फ़ोन लगाया था, उसको पिक करने गया था मैं। मैंने अपने यूट्यूब स्टोरीज में डाला, जाके देखिए। और दूसरी गड़बड़ी हो गई हमारे से, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई, तो ये कुल मिला के हमें निकलते निकलते 11:30 बज गया। और यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ खाना बांटने आए थे, और आज ही नहीं बांटने आए थे, हम तो डेली बांट रहे हैं। हम पिछले चार पाँच दिन से हम डेली बांट रहे हैं। हम तो देखने के लिए आए थे कि माहौल कैसा, अगर मौका मिलेगा तो अंदर चले जाएंगे, नहीं है तो खाना तो हम बांट ही रहे थे, वो बांटेंगे। तीखी है, पानी वानी देख लेना पहले थोड़ा सा। यहाँ क्या कर रहे हो? बैठे हैं। किस लिए बैठे हो? भोजन वगैरह आता, खाते हैं, बैठे। अच्छा, तो रोक टोक नहीं करता यहाँ पर कोई? ना ना, पकाने के लिए नहीं आता? ना ना ना, पकाने के लिए कौन आएगा? अच्छा, आएगा तो ले चलो, कहाँ ले चलो, बंद करो। बाबा साहब की जयंती पे आज सबको बिरयानी खिलाएंगे शहर में, वेज बिरयानी, लेकिन है चिकन बिरयानी नहीं है। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि पुलिस वाले जो हैं खाना बांट रहे हैं, और हम एक जगह रुके थे कि वहाँ कुछ गरीब लोग बैठे थे, उनको कुछ खाना दे दें। तो हमने पास से जब देखा कि वहाँ कुछ पुलिस वाले रुके, उन्होंने कुछ बैग पैकेट्स निकाले और गरीबों को दिए। तो फिर से हम करोड़ों साल बाद आए हैं बुद्ध विहार। करोड़ों साल बाद, हाँ क्या कर रहे हैं यार? वही तो बोल रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है यहाँ पे।
हमारा सीक्रेट प्लान यही था कि हमें पता था लोग मानेंगे नहीं, हमने सोचा कम से कम हम उनको सैनिटाइज करके अगर कोई समस्या हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें। कल मैंने लोगों से कहा भी था कुछ कट्टर अम्बेडकर वाले लोग, और रिजल्ट बिल्कुल वही है, लोग नहीं मान रहे हैं और उसके दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं। जैसे ताला ही तो पकड़े हुए कर खुल गए कहीं। कुछ खाओगे? लो आजा खाना ले लो, गेट लगा दे। बच्चों को थोड़ा कम खिलाना क्योंकि ये थोड़ा तीखा है, ले जाओ। अल्लाह काले को मार रहा है मोदी के राज्य में। कौन सा राज्य है अपन ने का खाना? पेट भरो तो। चलें? चलो। हो गया काम आज का अपना पूरा? अरे टॉप का हो गया अभी भैया। 3 बजे के जगह हुए हैं और अभी मैं 2 स्ट्रिंग पी चुका हूँ तो मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। सनी से पूछो, सनी क्या हाल है? सनी देखने तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर है। ये मास्क पहना हुआ है, हाथों में ग्लव्स हैं और व्हाइट कोट पहना हुआ है। ये व्हाइट मेरा ब्लेजर है और मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया कि बाबा साहब का सपना था कि मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने अंजल भैया को बोला फोन लगा कर, अंजल भैया कल के दिन आप कोट पहनना, मैं ही पहनने वाला हूँ। और ये देखो गर्मी में इसी वजह से हम लोग ये कोट टांगे हुए हैं। ये हमारे 60 फुट पे एक एम्बुलेंस अंदर जा रही है और पता नहीं ऐसा तो कुछ वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा लगा कहीं यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं मिल गया, क्यों करनी है ना, ऐसा लगा ना एकदम से। और एम्बुलेंस जाते जाते एकदम 60 फुट के अंदर मुड़ गई। तो और मैं इसीलिए मना कर रहा था लोगों से कि आज के दिन कुछ अपना एक्टिविटीज मत करिए, अपने घरों में रहिए और घरों में रहकर ही दिए जलाइए। पता नहीं ये एम्बुलेंस क्यों जा रही है। हम लोगों ने कोई माला नहीं खरीदी बाबा साहब को चढ़ाने के लिए, एक माला नहीं खरीदी। हम लोग चाहते तो खरीद सकते थे, क्यों सर? नहीं, बिल्कुल खरीद सकते थे। हम सिर्फ बोध बिहार गए, वहाँ सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया, लोगों के हाथ धुलवाए और इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। और ये जो बिरयानी बनाई थी लोगों को खिलाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना अपन ने। तो हमारा कोई प्लान था ही नहीं बाहर अम्बेडकर जयंती मनाने का। इतना थक गए थे ना, मतलब घर आते ही बिल्कुल आँख लग गई और अभी तेज फटाखों की आवाज़ आई उससे मेरी एकदम से नींद खुली। भूल ही गया था यार मोमबत्ती भी लगानी है। ओए तुम लोगों ने तो मोमबत्ती लगाना भी चालू कर दी। आज जो हो ना वो इन्हीं की वजह से हो, याद रखना इसको जिंदगी भर, कभी भूलना बस आज का दिन। कोई त्योहार नहीं इससे बड़ा। हमारी कॉलोनी में और भी बहुत से लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाई हैं। आए ना आज किसका जन्मदिन है? बता दो बेटा। बाबा साहब का। पहले क्या होता था कि इस कॉलोनी में हमारा अकेला परिवार था जो मोमबत्तियाँ जलाता था और लोग पूछते थे कि भी थे। अरे आज क्या है, आज क्या है मोमबत्ती? और आज खुशी की बात यह है कि बहुत सारे घरों में दिए जल रहे हैं, दिए मोमबत्ती पटाखे भी जल रहे हैं। और तो और आप सभी को बाबा साहब की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। I don't know.